सबसे पहले हमने क्या किया था, एक इंटरनेट से तस्वीर ढूंढ ली बैकग्राउंड लिख के, उसे वहां से कॉपी किया, यहाँ लाकर पेस्ट कर दिया, यहाँ तस्वीर आ गई हमारे पास। उसके बाद हमने यहाँ से टाइप टूल पे गए, टाइपिंग की, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग चेंज की। उसके बाद मुझे इसकी डबल चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, लेयर कॉपी कर ली। ये राइट साइड पर जो विंडो नज़र आ रही है, ये लेयर की विंडो है, इसे F7 से हम यहाँ पे ले आए थे। ये मैंने ओवरव्यू कर दिया जो हमने अभी किया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, टाइप सर्विसेज लिखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टेक्स्ट एडिट करना है। टेक्स्ट एडिट करने का मतलब क्या हुआ कि इस वक्त तो मैं मूव टूल में हूँ, यहाँ से तो नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे कहाँ आना चाहिए, कहाँ आना चाहिए, टी में आ जाते हैं और फिर यहाँ पे आकर डबल क्लिक कर देता हूँ। एडिट मोड में आ गए वापस, यानी पहले मैं कहाँ पर आया हूँ, टी के टूल में आया हूँ, फिर मैंने डबल क्लिक किया, ठीक है। जब तक मैं मूव टूल में था, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा था, अब मैं टेक्स्ट एडिटिंग मोड में आ गया हूँ दोबारा से, और यहाँ आकर मैं टाइप कर देता हूँ सर्विसेज, ठीक है। अगर ये जो आपने लिखा था, अगर टेक्स्ट पे अगर हम दोबारा करें, तो इसकी दोबारा इसके नीचे रिटर्न करके नहीं हम लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यार हो सकता है कि मैं ऊपर से जो टेक्स्ट नीचे लेकर आ रहा हूँ, मुझे उसका फोन भी वही चाहिए, सब कुछ चीजें मुझे वही चाहिए, मेरा टाइम सेव होगा ना, सो मैंने टाइम सेव करने के लिए ऐसे किया। अदरवाइज तो आपको चार दफा लिखना है, तो आप चार दफा टेक्स्ट पे क्लिक करें और नए सिरे से टाइपिंग शुरू कर लें, ठीक है। दोनों काम हम कर सकते हैं। अब मैं इधर आया और यहाँ आकर मैंने इसका फोन थोड़ा सा चेंज कर दिया, मिसाल के तौर पर मैंने इसे कर दिया ये वाले स्टाइल में, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ आ गया जी सर्विसेज, और अब मैं नीचे दो सर्विसेज सिर्फ ऐड करता हूँ इसकी, तो फिर मैं कंट्रोल जे करूँ, जैसे अभी आप कह रहे हैं, मैं वैसे दोबारा कर देता हूँ, टी पे क्लिक करें और यहाँ पर हम पहली सर्विस लिखते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। पहली सर्विस हमने ऐड कर दी, उसके बाद इसको थोड़ा सा इधर इसके नीचे ले आते हैं। अब इसके नीचे एक कोड ले लेते हैं, कंट्रोल जे, कॉपी किया और यहां लाके हमने दूसरी सर्विस रख दी, सपोज कर रहे हैं गूगल एड्स। ये दोनों चीजों के जो मैंने नाम लिखे हैं, ये दोनों चीजें आपके कोर्स में शामिल है, ठीक है। मतलब ये तो ये चीजें आपने कोर्स में सीखनी, और चीजें भी हैं उनके साथ, ये चीजें भी हैं। अच्छा, यहां पर हमने गूगल एड्स लिख दिया। अब मैं कहता हूँ जो सर्विसेज वाला टेक्स्ट है ना, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, सो मैं इधर से क्लिक करता हूँ सर्विसेज पे, ठीक है। सर्विसेज में आगे मतलब अब अगर मैं इस वक्त बात करूं, तो मैंने फोटोशॉप में आपको क्या बताया, एक नया पेज लेना बता दिया, कोई बैकग्राउंड नेट से लाना हो कैसे ला सकते हैं वो देख लिया हमने, टाइपिंग किस तरह करनी है, लेयर कॉपी किस तरह करनी है, लेयर की विंडो को कैसे देखते हैं ये कर लिया। अब हम थोड़ा सा डिजाइन की बात करते हैं कि भाई ये जो सर्विसेज लिखा हुआ है, इसको जरा मैं थोड़ा सा कलरफुल करना चाह रहा हूँ सर्विसेज को, ठीक है। कैसे करेंगे हम इसे कलरफुल, ये देखें, लेयर की विंडो में मैं आया हूँ दोबारा वापस, और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है FX, लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ FX पे जाके ये बहुत सारे डिजाइन ऑप्शन है, सारे स्टाइल्स हैं सारे, ठीक है। और ये बहुत सिंपल टू यूज है, ये आपने अपने घर में फोटोशॉप इंस्टॉल करना है, काम करना है, हर एक एक डिजाइन को अप्लाई करके देखना क्या होता है, ठीक है। जो कुछ होना होगा आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगा कि वो कौन सा डिजाइन स्टाइल चेंज कर रहा है। यहां आए जी स्ट्रोक पे, अब मैंने स्ट्रोक पे क्लिक किया, आप खुद बता देंगे कि स्ट्रोक करने से क्या हुआ है, पता लगे क्या हुआ है, क्या हुआ भला, उसकी आउटलाइन लग गई है, ठीक है ना। मतलब स्ट्रोक करने से क्या हुआ है, आउटलाइन लगी है। सो इसका मतलब क्या हुआ, आउटलाइन की टर्म नहीं होती फोटोशॉप में, फोटोशॉप में टर्म है स्ट्रोक, लेकिन असल में कर क्या रहता है, वो आउटलाइन लगाता है। तो अब ये स्ट्रोक पे हूं मैं यहाँ, ये इसका कलर है, रेड कलर दिया ना उसने इसको, मैं कहता हूँ नहीं किसी और कलर में दो, तो मैं इसको डार्क कलर कर देता हूँ। और ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, साइज। साइज का क्या मतलब है कि भाई स्ट्रोक कितना बड़ा चाहिए आपको, ठीक है। अभी तो बहुत स्लिम सा है, क्योंकि उधर कितने पिक्सल्स हैं सामने, जस्ट 3 पिक्सल्स हैं, तो मैं इसको बड़ा करता हूं, चलो ठीक हो गया जी। अच्छा, ओके कर दें इसको। अच्छा, ऊपर लिखा हुआ आ रहा है नजीब एंड सन्स, इस पर क्लिक करता हूं, यहां पे दोबारा क्लिक करते हैं। अब एक और डिजाइन मैं आपको दिखाने लगा हूं, यहां से
इस पे क्या लिखा हुआ आ रहा है सर, ये ऑप्शन क्या है जिधर से वो आएगा डिजाइन का जी, ये कहां से आएगा? ये मैंने आपको बताया कि जो लेयर की विंडो हमें नजर आ रही है। नो सर, वो जो अभी आपने किया नहीं बॉर्डर लगाया, तो ये ऑप्शन क्या है नेम इसका? स्ट्रोक। ठीक है, इधर आना है। चलो जी, स्ट्रोक हो गया। अब हम आ जाते हैं बेवल एंड एम्बोस पर। ठीक है, वो देखिए जरा एम्बोस का इफेक्ट बन गया, जैसे हमने कुछ इम्बोस किया होता है, इम्बोस का बटन जैसे होता है। हाँ, मतलब ये आपको बता रहा हूँ, ये क्या है, स्टाइल्स हैं, इनको आपने खुद से एक्सप्लोर करना है घर जाके। जी ठीक है। और एक और चीज़ याद रखें कि आप डिजिटल मार्केटिंग जो सीखते हैं, आप अपने क्लाइंट से सीखते हैं। मतलब मैं अगर आपको बताऊँ ना, तो मेरी क्वालिफिकेशन कुछ और है, मेरा एक्सपीरियंस कुछ और है। जी। मतलब मैं 10-12 साल से डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इन 10-12 साल में आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैंने कहीं जाके कोई डिप्लोमा नहीं किया हुआ डिजिटल मार्केटिंग का। जी। मैंने सिर्फ प्रोजेक्ट किए हुए हैं, मतलब मैंने लोगों का काम किया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग का, और मुख्तलिफ काम किया हुआ है। जी। किसी का गूगल एड्स का काम किया हुआ है, किसी के यूट्यूब का काम किया हुआ है, किसी के सोशल मीडिया का, किसी की SEO का, किसी की बिजनेस प्रोफाइल्स का। इंसान इस तरह सीखता है। जी। और आपके क्लाइंट्स जो होते हैं ना, वो आपको सिखाते हैं। वो कैसे सिखाते हैं? उन्हें तो कुछ नहीं आता, वो आपको बताते हैं कि हमें ये चाहिए। ठीक है, अब आपने देखना है उसका हल क्या है। वो आपको कहेंगे मुझे इस तरह की चीज़ चाहिए, भाई ये मुझे चाहिए। अब आप खुद से उसकी स्टडी करते हो, उसे एक्सप्लोर करते हो कि भाई ये कैसे पॉसिबल है। ये काम है डिजिटल मार्केटर का। अगर मैं ये कहूँ कि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ भाई, तो मैं कहता हूँ मैं अपने आप को बड़ा अपडेट रखता हूँ। तो अपडेट रखने का मैंने जो तरीका रखा हुआ, वो क्या रखा हुआ कि मैं हर 2 महीने के बाद कोर्स कर लेता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। अपडेट रखना है तो आपने गूगल पर अपडेट रहना है। आप गूगल को देखते रहें, आप यूट्यूब को देखते रहें, आपको कोई नई चीज़ लगती है उसको सर्च करें, उसे खुद ढूंढें। और ये कभी भी ना सोचें कि भाई मैं तो यूट्यूब से सीख ही नहीं सकता। जी। जो लोग ये सोचते हैं वो सीख ही नहीं सकते, जो पहले से प्लान बना के रखते हैं। मतलब मुझे लगता है कि यार मुझे अंग्रेज़ी बहुत अच्छी नहीं समझ में आती है, तो कोई बात नहीं है, यूट्यूब पर उर्दू की वीडियोज़ भी पड़ी होंगी। अरे ये तो नहीं है कि सारी इंग्लिश की वीडियोज़ ही पड़ी हुई हैं। यूट्यूब में इंडियन ऑथर्स की वीडियोज़ देख लें, पाकिस्तानी ऑथर्स की वीडियोस देख लें, यूट्यूबर्स की वीडियोस देख लें, आप सीख लेंगे। गूगल पे चीज़ें देखें, गूगल पे लिखा हुआ आ जाता है, भाई नहीं समझ आ रही, इंग्लिश में ट्रांसलेटर मौजूद है, एक छोटी सी टर्म लिखें, वो आपके सामने आ जाएगी, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके देख लो अगर आपको लग रहा है। लेकिन आप जब इस तरह सर्चिंग शुरू करेंगे, तो आप आहिस्ता आहिस्ता खुद से लर्नर बन जाओगे। और इस तरह का जो लर्नर है ना, वो चलता है डिजिटल मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग में कोर्स लर्नर नहीं चलता कि भाई उसने 10 लेसन पढ़ लिए या 15 लेसन पढ़ लिए और 20 लेसन पढ़ लिए तो डिजिटल मार्केटर बन जाएगा। नहीं, और घर बैठ के बनेंगे आप सारे। यानी घर में आपने समझना है कि भाई आप और आपका लैपटॉप, बस कितनी देर आप अपने किसी टॉपिक को एक्सप्लोर कर सकते हो। जितनी देर आप उसे एक्सप्लोर कर सकते हो ना, जितनी उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप सीख लोगे। तो अगर आप ये समझो कि नहीं सर ये करके दिखा दें, इसको भी यूं करके दिखा दें, इसको अब ये वाला डिज़ाइन भी एक दफ़ा करके दिखा दें, इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक टिपिकल किस्म के स्टूडेंट हो। तो टिपिकल स्टूडेंट से बाहर निकलना है, आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। ठीक है ना, मतलब प्रोफेशनल कोर्स करना और एकेडमिक स्टडी करना, इन दोनों में फ़र्क है। जब आप प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होनी चाहिए। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस से ही आप प्रोफेशनल बनते हैं। आप ऐसे नहीं बनेंगे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आप नोट्स बना रहे हैं, मैं कल पूछूं आप मुझे सुना दें तो मैं कहूँ शाबाश, ठीक है। नहीं, ऐसे नहीं है। मैं आपसे कहूँ आप मुझे करके दिखाएं, आपने जो भी करना है आप मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाएं, आपने क्या बनाया क्या है। मतलब जैसे मैं अभी एक चीज़ बना रहा हूँ, कल मैं आपसे कहूँगा कि हाँ जी आप लोगों ने कितने डिज़ाइन बनाए हैं वो दिखाओ मुझे। बेचक गलत, हाँ बेचक गलत बनाए हैं, बुरे बनाए हैं, अच्छे नहीं हैं, कच्चे लग रहे हैं कि भाई अभी तो आप लोगों को आता नहीं है, कोई बात नहीं है, कल हल्का काम करेंगे, उससे अगले दिन उससे बेहतर होगा, उससे अगले दिन उससे बेहतर होगा, एक एक करके बेहतर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप शाय फील करो, आपको कहीं यार नहीं पहले कोर्स कर लें फिर एक्सप्लोर करेंगे, तो ये सबसे गलत तरीका है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने 10 दिनों में जो सीखा है, आपको 11वें 12वें दिन देखना है कि भाई मैं इसको कितना इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर नहीं कर सकते तो बस फिर तो कोर्स का कोई फायदा नहीं। इसके साथ कॉन्फिडेंस में होना चाहिए। हाँ, और ये सबसे अहम बात है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर। आपके अंदर अब आप सीख रहे हो ना, सबसे पहले आपको ये अपने अंदर इत्माद लाना है कि ये कोर्स मैंने करना है और मैं कर भी सकता हूँ। ठीक है, ये लाना है। ये अगर आप कहें कि नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, फिर नहीं। आप आज के दौर में कॉन्फिडेंस मेन टूल है, आपका सबसे मेन टूल आगे बढ़ने के लिए। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं, आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, और सीरियसनेस बहुत जरूरी है। चलें जी, आगे जी, ओके कर दें इसको जी। चलें हम सपोज करते हैं भाई इतना ही डिजाइन बनाना था, तो हमें गूगल बिजनेस प्रोफाइल का डिजाइन हमने बना लिया।
मसला हल हो गया हमारा, ठीक है। हमें नहीं आता था फोटोशॉप, तो हमने मेरा हर 15-20 मिनट का लेसन लिया है ना, उसमें हमने ये सारा काम कर लिया। अब इस वक्त ये जो फाइल है हमारे पास, ये फोटोशॉप की फाइल है जी। अगर मैं इस फाइल को सेव करूंगा और मैं इसे दोबारा खोलूंगा, तो मैं इसे फेसबुक पे तो नहीं खोल सकता, ठीक है ना। मैं इसे प्रोफाइल में इंस्टाग्राम पे भी नहीं खोल सकता। मैं इसे खोलूंगा तो दोबारा फोटोशॉप में ही खोलूंगा जी। लेकिन मैं चाह क्या रहा हूँ कि मैं आने वाले दिनों में तो चाह रहा हूँ कि डिजाइन बनाऊं तो उसे फेसबुक पे भी लेके जाऊं, इंस्टाग्राम पे भी लेके जाऊं। अभी मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसे अपनी प्रोफाइल पे लेकर जाऊं, गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे लेकर जाऊं कि ये मेरा सारा कंटेंट उस जगह पर नजर आए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इसे इमेज बनाना पड़ेगा। अभी तक ये फोटोशॉप डॉक्यूमेंट है। फोटोशॉप डॉक्यूमेंट का मतलब फोटोशॉप की फाइल है। मुझे इसे क्या बनाना है? इमेज बनाना है, ठीक है। सो अब मैंने अगर इसको इमेज बनाना है तो मैं क्या करूंगा, फाइल में जाऊंगा, सेव एज में जाऊंगा। अगर तो मैंने इसे फोटोशॉप डॉक्यूमेंट बनाना है तो देखें नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, फोटोशॉप। बस फाइल को सेव करें, फोटोशॉप बन गई। मैंने इसको, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो भी काम करना है मैंने उसके दो वर्जन अपने पास रखने हैं। एक वर्जन कौन सा? कि भाई ये फोटोशॉप डॉक्यूमेंट है, नंबर वन। नंबर टू, इमेज है। फोटोशॉप वर्जन क्यों रख रहा हूँ कि भाई कल को मुझे इसी को देखकर कुछ और डिजाइन करना है जिसमें मुझे हो गया है मुझे बैकग्राउंड, हाँ इसी को एडिट करना, हाँ टाइम बच जाएगा ना, हमारा टाइम सेव हो जाएगा, तो ये फोटोशॉप वर्जन में आ जाएगा हमारे पास। और अगर इसे अप्लाई कहीं पर लगाना होगा तो मुझे इसे इमेज बनाना है, और इमेज बनाने के लिए आप क्या यूज़ करोगे? PNG यूज़ कर सकते हो, JPG यूज़ कर सकते हो। मैं आमतौर पर जो प्रोफेशनल टास्क कर रहा होता हूँ उसमें PNG बना के करता हूँ, ठीक है। सो मैंने इसको PNG बना लिया। अब वो कह रहा है कहाँ सेव करना है। इसका भी तरीका है कि हम इसको अपने फोल्डर्स में लेकर जाएँ कि जहाँ पर हम काम कर रहे हैं हम इनको वहीं पर रखें। और आप देख रहे हैं मेरे कितने फोल्डर्स बने हुए हैं, ये क्लाइंट्स के फोल्डर होंगे। मैं जिन जिन का काम करता हूँ सबका अलग फोल्डर बनाया हुआ है, जिसके काम करना होता है उसके फोल्डर में इसकी फाइल लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपकी क्लास के हैं फोल्डर, इनको देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा होगा आपकी क्लास का, मैं फाइल का नाम मैंने रखा होगा इसमें होगा ये। चलिए जी, यहाँ पर मैं इसको सेव करने लगा। इसका नाम भी हम रख लेते हैं नजीब एंड सन्स। अच्छा एक और चीज़ देखें, फाइल का नाम हमें कैसे रखना है। अब आमतौर पर हम क्या रखते हैं, यहाँ कभी 1, 2, 3 रख लेते हैं, कभी XYZ रख लेते हैं, या फिर हम रख लेंगे नजीब स्पेस एंड स्पेस सन्स। आपने फाइल के नाम के दरमियान, नाम के दरमियान में स्पेस यूज नहीं करना, ठीक है। वाई इसलिए यूज नहीं करना कि स्पेस जो है वो करेक्टर नहीं है, और जब नेट पर जाएगा तो करेक्टर बन जाएगा, ठीक है। और जब ये करेक्टर बन जाएगा तो ये ना तो क्राउलर को समझ में आएगा और ना ये यूजर को समझ में आएगा कि कौन सा करेक्टर है, ठीक है। ये ऑप्टिमाइजेशन का पहला रूल है कि आपने जब नाम रखने हैं तो नाम रखने का क्या तरीका है। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने यहाँ पर एक ऑफर दिया ना, तो मैं कहता हूँ भाई मेरा जो कीवर्ड था ना इस ऑफर के अगेंस्ट, तो वो ये था कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। तो आपने देखा मैंने कैसे लिखा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, डिजिटल स्पेशल आइडेंटिटी बना दी जिससे आप आइडेंटिफाई कर लिया। एक तो स्पेस भी नहीं आया, दूसरी बात यह है कि लोग भी यही ढूंढ रहे थे, तो हमने एक ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर भी इस पर अप्लाई कर दिया कि भाई लोग जो ढूंढ रहे थे हमने नाम भी वही वाला रख दिया, ठीक है। सो ये बात तो हमने पूरे कोर्स में जहां पर भी फाइलें बनानी है इसको हमें अडॉप्ट करना है, ठीक है ना, इस मेथड को अडॉप्ट करना है। ले जी, इस पर क्लिक करते हैं, ये बन गई हमारी इमेज। अब आ जाते हैं यहाँ से, मैं ना कोई एक अकाउंट खोलता हूँ।